सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे मैक्रम के लेटेस्ट और यूनिक डिजाइंस के वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने व्यूअर्स को मैक्रम के गणपति जी का एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा डिजाइन बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। फ्रेंड्स, इस गणपति जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पिंक और येलो कलर का मैक्रम का कॉम्बिनेशन लिया है और यहाँ येलो कलर का दो बंडल लगा है और पिंक कलर का एक बंडल लगा है। 8 इंच 8 इंच का एक गोल सा रिंग चाहिए और 1 इंच का भी एक गोल सा रिंग चाहिए। यहाँ मेरे पास खत्म हो गया इसलिए मैं नहीं शो कर पा रही हूँ। 1 इंच का भी एक गोल सा रिंग चाहिए। स्काई कलर का बीड्स 110 पीस चाहिए। रेड कलर का बीड्स 15 पीस चाहिए और ब्लैक कलर का बीड्स 30 पीस चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पे 14 कॉर्ड लिया है और एक कॉर्ड जो है उसको मैंने 4 मीटर में कट किया है। ये जो डबल होगा तो ये एक कॉर्ड 2 मीटर का और एक कॉर्ड 2 मीटर का होगा। इस तरह से हमको 4 मीटर का एक कॉर्ड लेना है। अगर जरूरत लगे तो आप और कॉर्ड भी इसमें एक्स्ट्रा अटैच कर सकते हैं। फर्स्टली यहाँ पे हम ये 8 इंच का रिंग लेंगे और रिंग में हम यहाँ ऊपर साइड में, यहाँ पे नहीं, यहाँ की तरफ हम 2 कॉर्ड अटैच। इसके बीच के 2 कॉर्ड में हम एक मोती लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बीट्स और एक नॉट हो गया है। अब हम एक और कॉर्ड लेंगे और इसको हम जस्ट यहाँ बगल में रखेंगे। फ्रेंड्स, अब दूसरा कॉर्ड यहाँ पे रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे ये जो यहाँ ये साइड का कॉर्ड, ये जो और ये जो बीच का कॉर्ड है, इस कॉर्ड को लेंगे और इसमें हम एक मोती लगा लेते हैं। कोई से भी कलर का आप मोती लगा लें। Thank you.
तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 कॉलम बनाया है, सेम ऐसे ही हम 7 कॉलम तक बना करके इसी डिजाइन को आगे तक इसमें फिर दो दो कॉर्ड एक्स्ट्रा अटैच करते हुए 7 कॉलम 7 बीट्स तक बना करके इसको तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ऊपर क्राउन का एरिया का इतना कंप्लीट किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 बीट्स लगा करके, और जिसमें कि इस तरफ मैंने पूरा स्काई कलर का बीट सेट किया है और बीच में मैंने पूरा रेड कलर का बीट से पूरा बनाया है डिजाइन को। अब चाहे इस तरफ का या फिर इस कॉर्नर का एक कॉर्ड लेंगे, इस कॉर्नर का एक कॉर्ड लेंगे और सारे कॉर्ड को इसको हम पाइपिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक लाइन पूरा पाइपिंग हो गया है। ये पाइपिंग यहाँ तक का हुआ था, तो यहाँ ऊपर का पाइपिंग, ऊपर का जो कॉर्ड है, मैंने इस तरह से प्रेस करके इसको सारे को एक जगह समेट लिया है। अब हम 4 कॉर्ड लेंगे और सेंटर के 2 कॉर्ड में हम 2 या 3 जितना मोती हो आप अटैच कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड छोड़ के 2 में बीट्स, फिर 2 कॉर्ड छोड़ के फिर 2 में बीट्स, 2 कॉर्ड छोड़ के 2 में बीट्स, इस तरह से पूरे में बीट्स लगा लिया है। लास्ट में एक कॉर्ड छुटा हुआ है, जो कॉर्ड हमने यहाँ से यहाँ लाया था उसी कॉर्ड को हम फिर से पाइपिंग करते हुए इस तरफ ले आएंगे। इस तरह से ये भी बीट्स लगा के कंप्लीट हो गया है। यहाँ से मैंने लाया, इसको भी हम यहाँ पे टाइट से खींच लिए हैं, तो ये कॉर्ड इतने ही दूर में एडजस्ट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब फेस के लिए डिजाइन बनना स्टार्ट होगा। अब 4 कॉर्ड लेंगे हम और इससे हम नॉट लगाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 नॉट लग गया है। अब हम यहाँ पे 2 नॉट के बीच एक नॉट लगा लेंगे और यहाँ पे 6 नॉट लगा लेंगे हम सेकेंड लाइन में। यहाँ पे आप थोड़ा टाइट नॉट लगाएं क्योंकि फेस का एरिया है। दो नॉट के बीच एक नॉट लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 लाइन हो गया है। अब हम यहाँ पे फिर 4 कॉर्ड लेंगे, साइड का ऊपर का 2 कॉर्ड और इधर का 2 कॉर्ड, और इससे एक नॉट लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 1 2 3 लाइन, थर्ड लाइन भी ऐसे ही नॉट लगा लिया इधर भी और इधर भी, और थर्ड लाइन कंप्लीट किए हैं। अब 4th लाइन के लिए साइड का 2 कॉर्ड छोड़ करके देखिए फ्रेंड्स, 4th लाइन हो गया है 1 2 3 4 5 6 नॉट के साथ।
और अब हम फिफ्थ लाइन कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ लाइन के लिए देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे दो कॉर्ड इधर छोड़ देंगे और दो कॉर्ड इधर, और इसको हम 6 नॉट में ले आते हैं। अब इसको हम 6 4 5 3 2 के नॉट में ले आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 नॉट हो गया है। अब फिर से हम साइड साइड दो दो कॉर्ड छोड़ देंगे और यहाँ पे हम 5 नॉट बना लेते हैं इस लाइन में। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे सेंटर का 4 कॉर्ड लेंगे दो नॉट के बाद, और इसके बीच में हम दो रेड कलर का मोती लगा लेंगे तिलक के लिए, और यहाँ एक नॉट लगा लेते हैं। टाइट से खींच लेंगे। इस 4 कॉर्ड को हम छोड़ देंगे। पहले हम अब यहाँ पे हम इसको आईज का शेप देंगे, छोड़ देंगे, और यहाँ पे ऊपर का 4 कॉर्ड लेंगे। यहाँ मैंने एक नॉट लगाया है ऊपर का 4 कॉर्ड ले करके, और बस यहीं पे हमको एक नॉट लगाना है। क्योंकि यहाँ हम नॉट इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आईज का जो शेप होगा वो हल्का सा टर्न हो जाएगा। ऊपर से एक कॉर्ड लेंगे और इसके ऊपर सारे कॉर्ड को हम पाइप इन कर लेते हैं। इसको हम हल्का सा टर्न होने का शेप दे देंगे। और फिर अब सेम यहां से जो कॉर्ड आया है सेम इसी कॉर्ड को हम घुमाते हुए सारे कॉर्ड को पाइप इन कर लेते हैं। आइस का डबल पाइपिंग करके तैयार है एरिया। अब हम इस तरफ भी सेम ऐसे ही करेंगे, 4 नॉट कॉर्ड लेके यहाँ नॉट लगा लेंगे और ऊपर के एक कॉर्ड लेके डबल पाइपिंग इसमें कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ आइस का शेप हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा कॉर्ड लेंगे 2 4 1 5 2 4 5 कॉर्ड छोड़ देंगे। सेंटर का जो 2 कॉर्ड है उसमें हम एक ब्लैक कलर का आइज के लिए जो मोती है वो लगा लेंगे।
इस तरह से, और यहाँ पर भी मैंने सेम किया है। आईज के लिए मोती मैंने यहाँ पे लगा लिया है। सेंटर का जो ये हमने नॉट लगाया है, एक कॉर्ड इधर आया एक कॉर्ड इधर, तो इधर वाले कॉर्ड के ऊपर हम सारे कॉर्ड को इस तरह से इसको खींच लेते हैं, इस तरह से पाइपिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आईज का सेप देंगे। इसके लिए जो हमने यहाँ बीच में नॉट लगाया है, और यहाँ नॉट का दो कॉर्ड है, तो एक कॉर्ड के ऊपर इधर से पाइपिंग करेंगे इस तरह से, और फिर इस तरह से पाइपिंग करके आईज का सेप देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरफ का आईज का शेप आ गया है। अब इस तरफ भी हम सेम ऐसे ही करते हैं, इस तरफ भी हम सेम ऐसे इसको आईज का शेप दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ आईज का शेप हो गया है। अब हम इसको बैक साइड पे ले आते हैं, और बैक साइड पे हम कोई भी किधर का भी एक कॉर्ड ले लेंगे, इसको बैक साइड लाएंगे, और कोई भी एक तरफ का कॉर्ड लेकर के को हल्का सा हम इस तरह से करेंगे, पाइपिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दो लाइन पाइपिंग हो गया है। अब इसको हम फिर से पीछे की तरफ पलट लेते हैं, और इस कॉर्ड को हम इधर स्किप करेंगे, और जैसे जैसे हम पाइपिंग आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो यहाँ पे इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम होते जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे हल्का सा खींच लेंगे, तो ये हल्का सा ऊपर सिकुड़ेगा। अब ये टाइट रहेगा और ये हल्का ऊपर सिकुड़ जाएगा, ज्यादा नहीं सिकुड़, ज्यादा नहीं हम करेंगे। इतना खींचेंगे जिससे हल्का सा सिकुड़ जाइए। ऊपर का हो गया हल्का सा। अब सेम हम पाइपिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ थर्ड लाइन हो गया है, पूरा पाइपिंग कंप्लीट किया है मैंने। अब हम इसको बैक साइड ले आएंगे, और बैक साइड में भी ये दोनों हल्का ढीला है, फर्स्ट वाला ढीला, सेकेंड वाला टाइट। अब सेकेंड वाला को थोड़ा सा ढीला कर लेंगे, और ये वाला जो है कॉर्ड को, इसको इतना नहीं, बस हल्का सा इतना टाइट करेंगे कि हल्का सा ढीला हो जाए। पहले हम एक से दो बार पाइपिंग कर लेते हैं इसको, उसके बाद हम इसको
हाइपिन हो गया, ये हल्का ढीला हो गया, ये टाइट हो गया है। अब इसी तरह से हम इसको हल्का सा, ये हल्का सा कॉर्ड तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम क्या करेंगे कि ये जैसे कि 1 2 3 4 लाइन यहाँ पाइपिंग हुआ है, सेम ऐसे ही हम इसको इतना दूर तक पाइपिंग करके तैयार करेंगे, जिसमें कि ये कॉर्ड जो है थोड़ा थोड़ा ढीला होते होते और पूरा बिल्कुल, ये जो आप पाइपिंग का लाइन देख रहे हैं वो देखिए हल्का तिरछा आ रहा है, तो ये ऐसे होते 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 और वो बिल्कुल पूरा राउंड का, पूरा ऐसे इस तरह से राउंड का शेप ले ले, उतना दूर तक हम इसको बना करके इसी को आगे कंटिन्यू, थोड़ा सा गैप इसको घटाते हुए, इस गैप को हमको, इस कॉर्ड के लेंथ को हमको घटाते हुए और बिल्कुल पूरा सटाते हुए हमको इतना दूर तक बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बैक साइड में गैप को थोड़ा थोड़ा कम करते हुए मैंने यहां तक फुल्ली बिल्कुल सटाते हुए बना लिया है। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन में मैंने इसको कंप्लीट किया है। हो सकता है आपका थोड़ा सा ज्यादा हो जाए लाइन या कम हो जाए, तो इसमें कोई बात नहीं है, मेरा 14 लाइन में कंप्लीट हुआ है। अब हम सेम कॉर्ड लेंगे और फिर कॉर्ड को घुमाते हुए 3 से 4 राउंड, हम ये राउंड तो हो गया इसी में काउंट, अब इसके बाद का 4 राउंड हम इसी तरह से गोल घुमाते हुए 4 राउंड बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके बाद 1 2 3 4 लाइन बना के कम्प्लीट किया है। अब हम यहाँ पे ये जो ट्रंक का एरिया है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब यहाँ के बाद से अब ट्रंक जो है वो टर्न लेना स्टार्ट होगा, तो मैं इसको इस तरफ घुमाऊंगी, तो यहाँ पे मोती के बीच का यहाँ पे हम बीच पे एक पॉइंट आउट कर लेते हैं, इसको पिन लगा करके ये बीच का एरिया हो जाएगा, ये यहाँ बीच का है और इतना से इतना दूर का एरिया में एरिया जो रहेगा हाफ, उसको हम टाइट ढीला पाइपिंग करेंगे और यहाँ से इस तरफ वाले को हम टाइट पाइपिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हाफ यहाँ का है और हम इसको बैक साइड ले आते हैं, बैक साइड में यहाँ का ये जो है ये हाफ, तो जिधर हमको ट्रंक को टर्न करना है, इधर हमको ट्रंक को टर्न करना है, तो यहां से लेकर और यहाँ पीछे हाफ तक हम इसको टाइट पाइपिंग करेंगे, बिल्कुल टाइट, और यहाँ पे हम हल्का सा ढीला ढीला पाइपिंग करेंगे। और अब देखिए, अब जब यहाँ 4 लाइन हो जाएगा तो पीछे से हम एक एक कॉर्ड छोड़ते भी जाएंगे, तो ऊपर का एक कॉर्ड छोड़ देंगे इसको कट करके, इसको हल्का सा इसके कॉर्नर को हम हल्का सा मेल्ट कर लेंगे, इसको अंदर की तरफ कर देंगे, एक कॉर्ड यहां से कम होते गया। अब हम यहां पर टाइट पाइपिंग करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने जहाँ मैंने पिन लगाया है वहां तक मैंने टाइट पाइपिंग किया है। यहाँ पिन अगर नहीं भी रहे तो इधर खिसकते जाएगा, तो हम बिल्कुल बीच में अंदाज से बीच में हम इसको हाफ दूर तक टाइट पाइपिंग करेंगे और इधर से हम ढीला। देखिए अब मैं ढीला पाइपिंग कैसे करती हूँ। यहाँ अब हाफ दूर तक हो गया है। अब फिर से हम यहाँ पे अब एक कॉर्ड छोड़ देंगे। अब यहां से हम टाइट पाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब यहाँ पे ये ट्रंक जो है वो मुड़ना स्टार्ट हो गया है। तो जब यहाँ पे जैसे यहाँ मैं काउंट कर रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। जब 28 से 29 राउंड हो जाए तब हम बैक साइड में प्रत्येक राउंड में एक एक कॉर्ड काटते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। प्रत्येक राउंड में एक एक कॉर्ड काटते जाएंगे और इसको हम छोड़ते जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रंक और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने थोड़ा सा गैप दे दे करके और यहाँ पाइपिंग किया है और यहाँ के ये तरफ पूरा सटाते हुए और ये पूरा बिल्कुल हल्का सा डिस्टेंस देते हुए है। तो इसी तरह से ये जो ट्रंक है वो टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये ट्रंक को पूरा मोड़ करके और इसको मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉर्ड पे फिनिश किया है और 6 कॉर्ड पे मैंने 4 लाइन घुमाया है। यहाँ पे यहीं पे 6 कॉर्ड तक आया था तो इसको मैंने 2 से 3 लाइन 4 लाइन और घुमा करके इसको और इधर कर लिया है। और इस तरह से अब हम सारे कॉर्ड को कट करके से ये ट्रंक बन करके तैयार है। इसका मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, उसको मैंने कैसे बनाया है। फर्स्टली मैंने यहाँ पे सारे कॉर्ड को पाइपिंग करते हुए यहाँ तक कंप्लीट किया, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कम करते हुए। उसके बाद मैंने 4 लाइन गोल घुमाते हुए किया है। उसके बाद मैंने 2-2 लाइन छोड़ते हुए एक एक कॉर्ड कम करती गई हूँ। मैं 2 लाइन छोड़ करके एक कॉर्ड कम, 2 लाइन छोड़ करके एक कॉर्ड कम, 2 लाइन छोड़ करके एक कॉर्ड कम, 2 लाइन छोड़ करके एक कॉर्ड कम। इस तरह से मैंने सब पूरे में यहाँ तक में पूरे पॉइंट तक 2 लाइन छोड़कर एक कॉर्ड कम करते गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 6 कॉर्ड रहने तक हमने इसको गोल तक किया है। उसके बाद 6 कॉर्ड को कट करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो इस तरह से ये ट्रंक जो है वो बन गया और इसको हम थोड़ा सा हल्का सा ऐसे घुमाते हुए ऐसे करके ट्रंक को मोड़ लेंगे तो ये आसानी से मुड़ जाता है। अब इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस होगा इसके जो कान का एरिया है, ईयर का, वो हम बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कान के एरिया को, ईयर के एरिया को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 14 कॉर्ड लिया है और प्रत्येक कॉर्ड जो है 1-1 मीटर में है। अब हम 2 कॉर्ड लेंगे और 2 कॉर्ड का जो छोर है उसको लेकर के हम यहाँ पर इस तरह से अटैच कर दोनों कॉर्ड को बराबर कर लेते हैं और सेंटर का 2 कॉर्ड लेंगे, इसमें मोती लगा लेते हैं और इससे एक नॉट लगा लेते हैं। जैसे ये 2 कॉर्ड अटैच हो गया है, फिर तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे कॉर्ड 14 कॉर्ड को 7 अलग अलग जगह पे अटैच कर लिया है। अब हमें कॉर्ड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पूरे में कॉर्ड में नॉट लगा लिया है। अब हम 2 नॉट के बीच एक नॉट लगा लेंगे।
अब फिर से हम यहाँ दो कॉर्ड इधर छोड़ेंगे और दो कॉर्ड इधर और सिक्स नॉट लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर के नीचे का जो कॉर्ड है इसके ऊपर सारे कॉर्ड को इस तरह से पूरे तक पाइपिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक राउंड पाइपिंग हो गया है। अब सेम हम इसी कॉर्ड को घुमाते हुए दूसरा राउंड पाइपिंग करके इसको तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दो लाइन हो गया है। अब हम सेम इसी कॉर्ड को घुमाते हुए थर्ड लाइन बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब ऐसा यहाँ पे चार लाइन बन जाएगा तो यहाँ पे हम दो कॉर्ड लेंगे, उसमें एक बीट्स लगा लेंगे। प्रत्येक दो दो कॉर्ड लेकर के मैंने यहाँ पे बीट्स लगा लिए है, दो कॉर्ड लेंगे। और यहाँ से एक कॉर्ड गया है यहाँ पर, इसमें इसको भी लेकर मैंने बीट्स लगा लिया है। अब इधर वाला कॉर्ड लेंगे और इसके ऊपर सारे कॉर्ड को हम ऐसे पाइपिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने दोनों तरफ का ईयर्स बना के कंप्लीट कर लिया है, दोनों तरफ का कान। अब हम ऊपर क्राउन के लिए मुकुट बनाएंगे, इसके लिए यहाँ पे एक डिजाइन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्राउन ऊपर का बनाने के लिए यहाँ पे 8 इंच का रिंग में पहले हम तो ये गणेश जी को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा कॉर्ड लेंगे येल्लो कलर का और यहाँ पे और इस तरह से। इसको बैक साइड ले जा करके और हम इसको कट करके स्टिक कर देंगे। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी करेंगे हम। और उसके बाद हम एक तरफ 18 कॉर्ड और एक तरफ 18 कॉर्ड, यहाँ टोटल इस क्राउन में 36 कॉर्ड लगा है। और जिसको कि सारे कॉर्ड को मैंने 80 सेंटीमीटर में कट किया है। और थोड़ा बहुत कॉर्ड जब हम ये डिजाइन बनाएंगे तो यहाँ पे घटेगा यहाँ इस एरिया में, तो हो सकता है उसको अटैच करना पड़े। तो कुल मिला के यहाँ मैंने 18 कॉर्ड, 18 कॉर्ड इधर लगाया है और 18 कॉर्ड इधर है। अब हम 4 कॉर्ड लेंगे और सेंटर के 2 कॉर्ड में एक मोती लगा करके नॉट लगा लेंगे। ये एक ब्लॉक तैयार हो गया है। सेम इसी तरह से हम 3-3 2 ब्लॉक इधर और तैयार करके कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
अब हम इस तरह का डिजाइन बनाएंगे। तो इस डिजाइन के लिए ये दोनों के बीच में यहाँ ऐसे डिजाइन बनेगा, इस दोनों के बीच में यहाँ बनेगा, इस दोनों के बीच में यहाँ ऐसे डिजाइन बनेगा और यहाँ और यहाँ, और यहाँ लास्ट में देख लीजिए इस तरफ के लिए एक कॉर्ड लेंगे और बाकी पांच कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। पे कट करके स्टिक कर लेंगे। अब यहाँ नीचे का नीचे की तरफ से हम एक कॉर्ड लेंगे, इसके ऊपर पांचों कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। ये लास्ट कॉर्ड है, इसको हम एक बार बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ, एक बार बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ करके फर्स्ट कॉर्ड में हम एक मोती लगा लेते हैं और इसी कॉर्ड को इस तरह से पाइपिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ मैंने तीन ब्लॉक बनाया है। सेम इस तरफ भी हम यहाँ पे तीन डिजाइन बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसा मैंने ये ब्लॉक आपको बनाना बताया है, सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी डिजाइन बना लेंगे और यहाँ को भी लेकर डिजाइन बना लेंगे। पूरे में हम इस तरह से ये डिजाइन बना करके कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने पूरा 8 इंच का रिंग को क्राउन का ऊपर का डिजाइन बना लिया है। अब हम हैंगिंग के लिए वो मैंने यहाँ पे 1 इंच का रिंग लिया है और यहाँ पे जो ये
दोनों के बीच में यहाँ पे बीट्स लगा करके फोर कॉर्ड निकला है, तो हम यहाँ पे हाफ तक नॉट लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने गणपति जी को बना करके तैयार किया है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप बताया है। आप जरूर ट्राई करिएगा इसको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड बाय बाय।